आज जो आप लोग सीखने वाले हैं वो है लामा फेरा प्लस लामा फेरा के एडवांस लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और लामा फेरा का एडवांस लेवल जो वास्तु एनर्जी हीलिंग पे बेस्ड है। मैं जब आपको इसका कोर्स कंटेंट बताऊंगी तब आपको क्लिक होगा या आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको एडवांस वास्तु एनर्जी हीलिंग में क्यों कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगी। मेरा नाम अंशु अग्रवाल है, मैं मास्टर लामा फेरा हूंकारा विथ हलीम, योग माया, शालवेक, ग्रैंड मास्टरशिप, और इसके अलावा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, सोल रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, ये सब मेरे फोर्टेज हैं। बेसिकली मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इंटीरियर डिजाइनर हूँ। मेरा बिजनेस है वो एक, जिसको कहते हैं ना प्रोफेशन, सो इंटीरियर्स का कंप्लीट, और ये मेरा पैशन है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठी हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डू बेसिकली अपार्ट फ्रॉम माय अदर प्रोफेशन। ओके, सो लामा फेरा एक ऐसी पद्धति है जो मेरी जब लाइफ में आई तो मुझे पता नहीं चला, बस करना है इसलिए कर लिया। जैसे हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने करना था इसलिए किया है, और या जो करना चाहते हैं कॉलिंग सी आई है इसीलिए कर रहे हैं, बस ऐसे ही है ना, कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसी तरह से मेरी लाइफ में भी ये इसी तरह से आया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में थे, जैसे बहुत सारे कि मेरा पाथ क्या है लाइफ का, सिर्फ वही है सुबह उठना है, अपनी डेली रूटीन की लाइफ को लेना है, फिर बस पूरा दिन निकाल दिया और रात को जाके सो गए, अगले दिन फिर वही रूटीन है ना, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, राइट? होता है ना ऐसे? तो कभी कभी हमें इससे बाहर आने का मन होता है कि भाई ये सब चीजें जो चल रही हैं उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को बाहर लेकर आ। ठीक है, फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं, रिकरिंग पैटर्न्स, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब हम जैसे सुबह उठना है ना, पता है बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, आपके अपने आप एक टाइम पर नींद खुल जाएगी और आपको एक एंजाइटी शुरू हो जाएगी टाइम देखकर कि मुझे ये काम सारे करने हैं। होता है ना, ऑफिस जाने वालों को एक टाइम देखकर एक एंजाइटी शुरू होती है, अरे टाइम हो गया जल्दी जल्दी करो काम निपटाओ, भले ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करे या ना करे, उस दिन आपका उठने का मन करे या ना करे। ये रही फीमेल्स की बात, सेम फॉर मेल्स ऑल्सो। कोई प्रोजेक्ट आ गया, या कभी कभी मेल्स भी ऐसा नहीं है कि घर के काम नहीं करते, बच्चों को कभी कभी ड्रॉप भी करते हैं स्कूल बस तक या स्कूल तक, तो वो एक एंजाइटी जो पैनिक आता है वो रिकरिंग हो जाता है, कभी कभी पैटर्न्स आ जाते हैं उसके अंदर और फिर वो ट्रिगर्स में बदल जाते हैं। कि अगर टाइम बजा, अगर भले ही संडे है ना, और आपको पता है कि 8 बजे आपको बस पे छोड़ना है बच्चे को या 8 बजे तक बच्चे को घर से भेजना है, संडे होगा, आप सो रहे होंगे, आप रेस्ट कर रहे होंगे या किसी और मोड में होंगे, लेकिन 8 बजे आपको सेम एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। होता है, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ना? तो ये क्या है, ये पैटर्न्स हैं जो हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब इन पैटर्न्स को भी तो तोड़ना जरूरी है, लेकिन उसके रास्ते भी नहीं पता, और इतनी सारी मोडेलिटीज हैं, कौन सी चूज करें, कैसे ये सब चीजों से बाहर आए ये भी नहीं पता। फिर सेकेंडली, कभी कभी ऐसा मन करता है कि कोई एक गाइड हो हमारे पास, कोई एक ऐसा मेंटोर हो या कुछ ऐसी चीज हो हमारे पास जो हमें लाइफ के उस पाथ पर गाइड करे जहां पर हम स्ट्रेस फ्री रह सके है ना, और अपने गोल्स को अचीव कर सके, एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग रहती है ना लाइफ में उसको अचीव कर सके, वो चाहे किसी भी एरिया में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, चाहे आपके करियर में ही क्यों ना हो। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ में, क्योंकि वो सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसपे हम ध्यान देते हैं, राइट? और फिर एक चीज होती है कि एक एज के बाद जब हम ये सब चीजों से थोड़ा सा तंग हो जाते हैं, या ये कहें कि अब बहुत ज्यादा हो गया, तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में जब आप
अपने आप को देखोगे कि आप थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए, आप जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। होता है ना, मन में आती है ना ये क्वेश्चन कि व्हाई आई एम बॉर्न, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का, मेरा पाथ क्या है, ऐसे क्या कर्म है जो मुझे पूरे करने हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि फिर वापस हम उसी सराउंडिंग में फंस के रह जाते। अल्टीमेटली तो यही होता है, राइट? तो इन पैटर्न्स को तोड़ना, इन चीजों को समझना कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे आपको अटेन करना है, कौन से रास्तों पर चलना, किसी का म्यूट हुआ है क्या? एक सेकेंड मुझे होल्ड करेंगे। है मैं इनके यूजिंग दो ही बार। तो वेर आई वॉज, हाँ जी, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअली, ठीक है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, हम भटकते रहते हैं, ये मोडेलिटी सीख ली, वो मोडेलिटी सीख ली, लेकिन जो एक्चुअल सोर्स है हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमने इतना सब कुछ सीखा है लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कुछ कम है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। अल्टीमेटली हम वहीं फंस के रह जाते हैं, उसी मिथ्या में फंस के रह जाते हैं, उसी मोह माया में फंस के रह जाते हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से वो जागृत होता है स्पिरिचुअल का अवेयरनेस कि अरे हम तो वहीं की वहीं रह गए, हमने कुछ किया ही नहीं, है ना? होता है ना, सभी के साथ होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में जब भी ट्रांजिशन पीरियड्स आते हैं तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर फैमिली लाइफ की तरफ इंक्लाइन होते हैं। अब आप सोचो, क्या ये जरूरी है कि हमें कोई भी एक पैटर्न या एक लाइफ का पाथ अपना छोड़ना पड़े दूसरे पाथ पे जाने के लिए? इज इट नेसेसरी? क्योंकि एक बार आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, फैमिली है, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, राइट? लेकिन एक कॉलिंग आ रही है बार बार स्पिरिचुअल ग्रोथ की, सेल्फ अवेयरनेस की, मेडिटेशंस करने हैं। बहुत कॉमन है मेडिटेशन वर्ड, आजकल इतना कॉमन हो गया है कि उसके पीछे का जो एसेंस था, जो बेस था जिस वजह से मेडिटेशन किए जाते थे, वो कहीं खो गया है, राइट? है ना, तो ये सब चीजों में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है हमको, राइट? उसी के ऊपर तो हमारा ये सब चीजें पहले वो होती हैं, बेस बनाती हैं हमारा, और वही हमारे कर्मास को भी मोड़ देती हैं। अगर आपको आपका पाथ पता है और आप बैलेंस बनाना जानते हो, तो क्या आप अपने कर्मास को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? जरा सोच के देखिए। और कर्मास को ठीक करने के लिए तो हम इस धरती पर आए हैं, पैदा हुए हैं, सब जन्म लिया है ना? कहते हैं ना, पिछले जन्म में पता नहीं क्या कर्म किए थे, कितने लोगों के मुंह से ये डायलॉग आते हैं, आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आप भी ये अच्छी तरीके से जानते हो कि पिछला जन्म था और ये जन्म है, और अगर हमने ये कर्म कर्म जो है हमारे पिछले जन्म के हों या किसी भी जन्म के हों और इस जन्म के भी इकट्ठे कर लें, तो पता नहीं अगला जन्म कैसा हो, किसी को नहीं पता, इवन अगले पल के बारे में किसी को नहीं पता। एनर्जी हीलिंग्स के थ्रू आप थोड़ा बहुत जान पाते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि आप आज भी कर्म कर रहे हैं, उसका रिप्रिकेशन क्या होगा कल आपको नहीं पता, राइट? तो अब इन सब चीजों से कैसे अपने रास्ते निकाले जाए, तो बहुत ही सुंदर एक बुद्धा, उनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन इन दोनों चीजों का एक बैलेंस होता है ना, जो वो भगवान बुद्ध, भगवान पुत्र बुद्ध ने समझाया है, जिसको वो कहते हैं मिडवे, बीच का रास्ता। आप अपनी फैमिली लाइफ में भी रह सकते हो और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इंडिविजुअल कर सकते हो। कितना अच्छा थॉट है, राइट? Thank you.